सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यान पाठशाला जहाँ पे आपको मिलता है क्लास सिक्स टू टूल्व की फ्री एन की ऑनलाइन क्लासेस एंड हियर आई एम पायल योर मैथ्स एडुकेटर एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपकी है देखो क्लास एट मैथ्स की जो लीनियर इक्वेशन जिसका मैंने थियोरी पोर्शन एंड टू पॉइंट ये दो एक्सरसाइज कवर मैंने किया था सो लेट्स कम टू दी एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री ओके सो अभी हम टू पॉइंट थ्री एक्सरसाइज करने वाले हैं ओके सो आपको सिर्फ इक्वेशन सॉल्व भी नहीं करना है उसके साथ रिजल्ट भी चेक करना है इसका मतलब प्रूव भी करना है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होता है कि नहीं ओके सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है थ्री एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस एटीन अब सबसे इजी रूल uh, क्या है इसको सॉल्व करने का या फिर इक्वेशन सॉल्व करने का तो वो होता है आपका ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग का मतलब होता क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओ या फिर राइट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ जो भी कुछ करो तो उसमें आपका साइन चेंज होता है प्लस माइनस होता है माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई डिवीजन होता है और डिवीजन मल्टीप्लाई हो जाता है ओके okay? सो so, यहाँ पे देखो थ्री एक्स माइनस टू एक्स जब टू एक्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए इज इक्वल्स टू एटीन ओके सो एक्स इज इक्वल टू एटीन अब आपको प्रूव भी करना है कैसे करोगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सो so, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है लेफ्ट हैंड साइड में आपका है थ्री एक्स ओके सो थ्री एक्स विच मीन्स थ्री इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया एटीन सो विच इज़ फिफ्टी फोर ओके एंड देन राइट हैंड साइड में क्या है राइट हैंड साइड में आपका है टू एक्स प्लस एटीन सो एक्स इज इक्वल्स टू एटीन सो टू इंटू एटीन प्लस एटीन सो टू एटीन ज थर्टी सिक्स प्लस एटीन सो इसको आप जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका फिफ्टी फोर ओके सो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन एब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अब क्या दिया हुआ है फाइव टी माइनस थ्री इज इक्वल्स टू थ्री टी माइनस फाइव ओके सो आप करोगे क्या फाइव टी ये थ्री टी को इस साइड लेके आओ ओके okay, सो so अभी आप करोगे क्या थ्री टी जब फाइव लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो हो जाएगा थ्री टी प्लस है तो ये होगा माइनस थ्री टी एंड देन माइनस फाइव माइनस थ्री जब राइट हैंड साइड में आएगा तो हो जाएगा प्लस थ्री सो विच इज टू टी इज इक्वल्स टू माइनस टू and then t is equals to minus two by two which is minus one अब देखो so t का value कितना आया minus one okay so okay so t का value कितना आया था का value आया था आपका minus one so अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है फाइव टी माइनस टी राइट हैंड साइड में क्या है थ्री टी माइनस फाइव ओके सो फाइव t टी का वैल्यू है माइनस वन माइनस थ्री सो ये हो जाएगा फाइव इंटू माइनस वन विच इज माइनस फाइव एंड देन माइनस थ्री विच इज माइनस एट अब देखो थ्री इंटू ठीक का वैल्यू कितना है माइनस वन एंड देन माइनस फाइव सो थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री एंड देन माइनस फाइव सो विच इज माइनस एट सो येस हेंस ये आपका मतलब हर एक हेंस वेरीफाइड हर एक मैथ्स में आप जब ऐसे चेकआउट करोगे आपके रिजल्ट तो आप हेंस वेरीफाइड लिख देना लास्ट में ओके सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका फाइव एक्स प्लस नाइन इज इक्वल्स टू फाइव प्लस थ्री एक्स सो आप ट्रांसपोजिंग के मदद से सॉल्व करते रहो फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल्स टू फाइव माइनस नाइन एंड देन टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फोर एंड देन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फोर बाई टू विच इज माइनस टू अब लेफ्ट हैंड में क्या है फाइव एक्स प्लस नाइन तो करके देखो फाइव इं टू माइनस टू प्लस नाइन फाइव इं टू माइनस टू विच इज़ माइनस टेन प्लस प्लस नाइन विच इज माइनस वन एंड देन राइट हैंड साइड में आप देखो फाइव प्लस थ्री एक्स विच इज़ फाइव प्लस थ्री इंटू एक्स का वैल्यू कितना है माइनस टू सो फाइव थ्री टू जिक्स लेकिन माइनस है तो माइनस सिक्स हो जाएगा तो फाइव माइनस सिक्स विच इज माइनस वन सो हैंस वेरीफाइड हैंस वेरीफाइड ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ जो कि है आपका फोर जेड प्लस थ्री इज इक्वल्स टू सिक्स प्लस टू जीड ओके सो फोर जेड माइनस टू जेड इज इक्वल्स टू सिक्स माइनस थ्री सो देन टू जेड इज इक्वल्स टू सिक्स माइनस थ्री विच इज़ थ्री एंड देन जेड इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू सो जेड का वैल्यू कितना आया थ्री बाई टू सो इसको आप लिख के रखो कि जेड का वैल्यू आया थ्री बाई टू अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जो कि आपका है फोर जेड प्लस थ्री सो फोर इंटू कितना हो जाएगा जेड का वैल्यू है थ्री बाई टू प्लस थ्री अब टू टू जा फोर कैंसल आउट करो तो हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री थ्री टू जिक्स एंड देन प्लस थ्री विच इज नाइन एंड देन राइट हैंड साइड में आप देखो क्या होगा सिक्स प्लस टू जेड विच इज सिक्स प्लस टू इंटू थ्री बाई टू ओके टू टू कैंसिल आउट हो गया देन आपका हो गया क्या सिक्स प्लस थ्री विच इज नाइन लेफ्ट हैंड साइड में भी नाइन एंड राइट हैंड साइड में भी नाइन ओके सो कम टू द्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है टू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू फोर्टीन माइनस एक्स सो टू एक्स प्लस एक्स क्योंकि माइनस एक्स जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा सो इज इक्वल्स टू फोर्टीन प्लस वन सो विच इज थ्री एक्स इज इक्वल्स टू फिफ्टीन एंड देन एक्स इज इक्वल्स टू फिफ्टीन बाय थ्री विच इज फाइव अब लेफ्ट हैंड साइड में करके देखो टू एक्स माइनस वन विच इज टू इन टू फाइव माइनस वन दैट इज टू फाइव ज टेन माइनस वन विच इज नाइन एंड देन राइट हैंड साइड में आ जाओ क्या है फोर्टीन माइनस एक्स सो एक्स का वैल्यू कितना है फाइव सो फोर्टीन माइनस फाइव इच इज नाइन सो हैंस वेरीफाइड ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एट एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू थ्री इन टू एक्स माइनस वन प्लस सेवन सो एट एक्स प्लस फोर इसको पहले सिंप्लीफाई करो ये आपको याद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है थ्री एक्स से मल्टीप्लाई होगा जो कि हो जाता है थ्री एक्स एंड देन माइनस थ्री वन से मल्टीप्लाई होगा जो कि हो जाएगा थ्री प्लस सेवन ओके सो एट एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस सेवन एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर था वो राइट हैंड साइड में आ गया सो so, हो जाएगा माइनस फोर सो फाइव एक्स इज इक्वल्स टू देखो माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन एंड प्लस सेवन तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस थ्री माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन एंड देन प्लस सेवन तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल्स फाइव एक्स इज इक्वल्स टू तो जीरो एक्स इज इक्वल्स टू तो ज़ीरो बाय फाइव विच इज ज़ीरो तो यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आया ज़ीरो ये याद रखो अब देखो कि प्रूव होता है कि नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एट एक्स प्लस फोर विच इज़ एट इंटू एक्स का वैल्यू ज़ीरो प्लस फोर डैट इज ज़ीरो प्लस फोर विच इज़ फोर ओके एंड देन राइट हैंड साइड में क्या है थ्री इंटू एक्स माइनस वन प्लस सेवन सो थ्री इंटू एक्स का वैल्यू कितना है जीरो माइनस वन प्लस सेवन सो थ्री जीरो माइनस वन कितना होता है माइनस वन प्लस सेवन सो माइनस थ्री प्लस सेवन सो सात से अगर तीन माइनस होता है तो हो जाता है फोर सो हैंस वेरीफाइड ओके आया समझ में सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्स इज इक्वल्स टू फोर बाय फाइव इन टू एक्स प्लस टेन ओके सो देखो एक्स इज इक्वल्स टू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फोर इन टू एक्स प्लस टेन बाई फाइव ऐसे लिख सकते हैं ना ओके okay. अब देखो ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब इसको ऐसे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई मतलब कि मतलब कि अब देखो x को x का मतलब सिर्फ x है तो इसका मतलब क्या हो जाता है x बाई वन इज इक्वल्स टू फोर इंटू एक्स प्लस टेन बाय फाइव सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो फाइव का एक्स से मल्टीप्लाई होगा सो so ये आपका हो जाएगा फाइव एक्स इज इक्वल्स टू फोर इंटू एक्स प्लस टेन क्योंकि इस साइड तो वन है तो फोर इंटू एक्स प्लस टेन ही रहेगा तो अब कितना हो जाता है फाइव एक्स इज इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस फोर्टी देन फाइव एक्स माइनस फोर एक्स विच इज फोर्टी सो एक्स इज़ इक्वल्स टू फोर्टी तो आप ये याद रखो कि एक्स का वैल्यू कितना आया एक्स इज इक्वल्स टू फोर्टी सो एक्स इज इक्वल्स टू फोर्टी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स है जिसका वैल्यू हो गया फोर्टी सो राइट हैंड साइड में हम लोग देखेंगे फोर बाई फाइव इंटू एक्स प्लस टेन सो फोर बाई फाइव एक्स का वैल्यू कितना है फोर्टी प्लस टेन फोर बाय फाइव इन टू फोर्टी प्लस टेन विच इज़ फिफ्टी सो फाइव टेन्स फिफ्टी कैंसल आउट करके टेन आया सो फोर टेनजा कितना होगा फोर्टी सो लेफ्ट हैंड साइड में भी फोर्टी राइट हैंड साइड में भी फोर्टी सो हैंज वेरीफाइड सो कम टू दैक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है टू एक्स बाई थ्री प्लस वन इज इक्वल्स टू सेवन एक्स बाय फिफ्टीन प्लस थ्री ऐसे जब क्वेश्चन रहता है तो आप क्या करोगे जो वेरिएबल है उसको एक साइड में कर लेना सो टू एक्स बाई थ्री माइनस सेवन एक्स फिफ्टीन क्योंकि सेवन एक्स बाई फिफ्टीन के पहले तो माइनस साइन तो नहीं है मतलब कि ये प्लस है तो जो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा ओके सो थ्री माइनस वन होगा ओके okay. सो so, अब देखो थ्री एंड फिफ्टीन का एल्सिम कितना होगा फिफ्टीन सो थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन फाइव टू ज टेन सो ये आपका हो गया टेन एक्स माइनस फिफ्टीन वन ज़ा फिफ्टीन सेवन वन जैवन सो हो गया सेवन एक्स विच इज़ थ्री माइनस वन विच इज टू सो टेन एक्स माइनस सेवन एक्स कितना होता है थ्री एक्स बाय फिफ्टीन इज इक्वल्स टू टू सो थ्री एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा फिफ्टीन इंटू टू क्योंकि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सो थ्री एक्स इज इक्वल्स टू थर्टी एंड देन एक्स इज इक्वल्स टू थर्टी बाई थ्री विच इज टेन अब देखो x का वैल्यू कितना आया टेन हुआ अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो करके क्या है टू एक्स बाई थ्री प्लस वन इज इक्वल्स टू टू इन टू एक्स का वैल्यू टेन है डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन सो टेन टू ज ट्वेंटी बाय थ्री प्लस वन एलसीएम में थ्री सो ट्वेंटी प्लस थ्री ऑन ज थ्री विच इज़ ट्वेंटी थ्री बाय थ्री आ जाओ राइट हैंड साइड में क्या है सेवन एक्स बाय फिफ्टीन प्लस थ्री सो सेवेन इंटू टेन एक्स का वैल्यू बाई फिफ्टीन प्लस थ्री कैंसल आउट करो फाइव टू ज़ा टेन फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन सो सेवेन टू ज़ा फोरटीन बाई थ्री प्लस थ्री अब थ्री हो गया इसका एल सी एम सो फोरटीन प्लस थ्री थ्री ज़ा नाइन विच इज ट्वेंटी थ्री बाई थ्री सो हैंस वेरीफाइड ओके सो कम टू दैक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है टू आई प्लस फाइव बाय थ्री इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री माइनस वाई सो वेरिएबल को एक साइड में लेकर टू वाई प्लस वाई हो जाएगा एंड देन ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री माइनस फाइव बाई थ्री क्योंकि फाइव बाई थ्री तो प्लस है तो जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस फाइव बाई थ्री हो जाएगा ओके सो देन टू वाई प्लस वाई विच इज थ्री वाई देन इसका एलसीएम कितना होगा थ्री so 26 सिक्स माइनस फाइव विच इज ट्वेंटी वन बाई थ्री सो कैंसिल आउट करो हो जाएगा 7 so y is equals to सेवन by थ्री क्योंकि 3 इस साइड मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड में जब आएगा तो 3 डिवाइड हो जाएगा सो 7 by थ्री सो y is equals to सेवन by 3 so y is equals to सेवन by थ्री so, okay अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है टू आई प्लस फाइव बाई थ्री सो वा सो वाई कितना है सेवन बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री सो ये आपका हो जाएगा टू सेवनज़ा फोर्टीन बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री सो थ्री आपका हो गया एल सी एम सो फोटीन प्लस फाइव विच इज़ नाइनटीन बाई थ्री ओके सो राइट हैंड साइड में आप देखो क्या होता है ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री माइनस वाई सो ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री माइनस वाई का वैल्यू सेवन बाई थ्री सो यहाँ पे थ्री हो गया आपका एल सी एम टू ट्वेंटी सिक्स माइनस सेवन सो इसको माइनस करके आता है नाइनटीन सो नाइनटीन बाई थ्री सो हैंस वेरीफाइड ओके ओके सो कम टू दैक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है थ्री एम इज़ इक्वल्स टू फाइव एम माइनस एट बाई फाइव अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि फाइव एम माइनस एट बाई फाइव इज इक्वल्स टू थ्री एम हाँ लिख सकते हैं क्योंकि सेम ही है ओके सो फाइव एम माइनस थ्री एम क्योंकि थ्री एम लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और एट बाई फाइव राइट हैंड साइड में चला गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एट बाई फाइव सो टू एम इज इक्वल्स टू एट बाई फाइव एम इज इक्वल्स टू एट बाई फाइव टू तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा ऐसा देन एट बाई फाइव अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इन टू वन बाई टू सो टू फोर जा एट कैंसल आउट हो गया आपका आंसर हो गया फोर बाई फाइव सो एम का वैल्यू कितना है सो so, एम का वैल्यू आपका है फोर बाय फाइव ओके सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है लेफ्ट हैंड साइड में आपका है थ्री एम इज थ्री इंटू फोर बाई फाइव होता कितना है थ्री फोर जै ट बाय फाइव ओके एंड देन राइट हैंड साइड में क्या है फाइव एम माइनस एट बाई फाइव सो फाइव इंटू एम का वैल्यू है फोर बाई फाइव माइनस एट बाई फाइव सो फाइव फाइव कैंसिल आउट हो गया फोर माइनस एट बाई फाइव अब देखो फाइव एल सी एम फाइव फोर ट्वेंटी माइनस एट सो आपका हो गया ट्वेल्व बाई फाइव सो फाइड ओके सो वी आर डन फॉर द डे ये टू पॉइंट थ्री एक्सरसाइज का जितना भी मैथ्स था मतलब कि टेन मैथ्स था तो ये टेन मैथ्स मैंने सॉल्व करवा दिया सो आई होप आपको आप लोग ईजीली समझ पाए होंगे ओके सो अगर आपका कोई क्वेश्चन रहा रिगार्डिंग दिस क्लास या फिर रिगार्डिंग दिस सेक्शन तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो ओके okay. सो so, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सो so, आप जाके ज्वाइन कर लो And keep learning with Vidyan Pathshala and thank you so much for watching.